मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्ट मीट की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस सम्मेलन के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में आयोजित हो रही पहली इन्वेस्ट मीट यादगार बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को इन्वेस्ट मीट का शुभारंभ करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 नवंबर को इसके समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसलिए इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धर्मशाला शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने आ रहे 209 विदेशी प्रतिनिधियों के ठहरने के उचित प्रबंध किए जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने इस अवसर पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को आकर्षक और सूचना प्रद बनाने के लिए कहा। सम्मेलन के दौरान 8 सत्र आयोजित होंगे और इसके अतिरिक्त उद्यमियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान आम नागरिकों, विशेषकर रोगियों, वृद्धों और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। यातायात के सुचारू संचालन के लिए उचित प्रबंध किए जाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, सिर्फ दो ही बातों को नहीं रखा जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है 7 और 8 तारीख को। इसके पश्चात केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद आवश्यक जो मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्रिमंडल में इंडक्शन जो है नए सदस्यों की, इसकी संभावना प्रबल है और जब ये संभावना हमको पूरी होती दिखेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। कैबिनेट के 6 तारीख को पहुंचेंगे कैबिनेट के सारे कुलीग्स और वहां के कुछ लोग साथी तो पहले उपस्थित होंगे। बात है कि समय 3 साल का थोड़ा नहीं होता, काफ़ी समय होता, मैं ये भी मानता हूँ। यहाँ हमने ऐसे भी देखा कि विधानसभा में उपचुनाव में जो चुन करके आते हैं कहीं कुछ 6-6 महीने का भी कार्यकाल मिलता है, लेकिन 3 साल का कार्यकाल पर्याप्त कार्यकाल है। लेकिन फिर भी उसके बाद सीखना भी इसी कार्यकाल में और परफॉर्म भी इसी कार्यकाल में करना है, इसी समय में करना है। ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक रूप से हैं, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों विधायक जो है इसमें करने में सफल होंगे। थैंक यू, प्लीज थैंक यू। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।